केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पायरॉन्स के बारे में। तो जो पायरॉन्स है थोड़ा वाइड टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको छोटा करने का कोशिश किया है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा। तो पायरॉन्स जो होता है, बेसिकली सिक्स मेंबर हेट्रोसाइकल होते हैं, जिसमें दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, एक रिंग के अंदर और एक रिंग के बाहर। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। ठीक, इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आता है अल्फा पायरॉन, इसमें अल्फा पोजीशन पे कीटो ग्रुप जुड़ा होता है। दूसरा आता है हम लोग का गामा पायरॉन, जिसमें हम लोग का गामा पोजीशन पे, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा पोजीशन पे हम लोग का कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग गामा पायरॉन्स। और फिर फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं अल्फा पायरॉन्स को, मतलब उसके बेंजो डेरिवेटिव को डिवाइड करते हैं क्यूमेरिन्स और आइसो क्यूमेरिन्स में, ठीक है। और फिर जो बेंजो डेरिवेटिव होता है गामा पायरॉन का, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं क्रोमोन्स और जेंथोन्स में। दे आर कंजुगेटेड बेस, ठीक है, ये 2,4 हाइड्रोक्सी पायरिलियम सॉल्ट के, हाइड्रोक्सी पायरिलियम सॉल्ट के ये क्या होते हैं, कंजुगेटेड बेस होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो हम लोग का पायरिलियम सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसका कंजुगेटेड बेस कैसा होगा, वीक होगा। तो इसका वीक बेस होते हैं ये, ठीक है। फोर पायरॉन्स आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है, जो फोर पायरॉन्स या फिर हम लोग का बोल सकते हैं गामा पायरॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू टू पायरॉन्स, ठीक है। और हम लोग का 2 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 6 मेथाइल 2 पायरॉन्स जो होता है फंजीसाइड होता है, जिसको हम लोग फ्रूट में यूज़ करते हैं। तो फ्रूट में फंगस लगने से बचाने के लिए हम लोग इस वाले कंपाउंड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अल्फ़ा पायरॉन्स के बारे में। तो अल्फ़ा पायरॉन्स का प्रिपरेशन, अच्छा मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है अल्फ़ा पायरॉन्स हम लोग का क्या होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग देखते हैं उसका प्रिपरेशन मेथड को। तो वॉन पैचमैन मेथड इसका फेमस मेथड है, इसको वॉन पैचमैन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम लोग मैलिक एसिड लेते हैं, मैलिक एसिड से हम लोग H2SO4 के साथ फ्यूमिंग H2SO4 होता है, यहाँ पे फ्यूमिंग H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग का फॉर्माइल एसिड बनता है, फॉर्माइल एसिड बनता है। फॉर्माइल एसिड से 2 H2O मॉलिक्यूल निकाल के हम लोग बनाते हैं क्यूमेलिक एसिड, ठीक है। यहाँ से 2 H2O निकलता है तो हम लोग का बन जाता है क्यूमेलिक एसिड। फिर क्यूमेलिक एसिड में हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है हम लोग का कॉपर के प्रेजेंस में, जब उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो यहाँ से हम लोग का CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है, ये वाला CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है और हम लोग का अल्फा पायरॉन्स मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम 3-ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे हम लोग 3-ब्यूटेनोइक एसिड लेते हैं, ये 3-ब्यूटेनोइक एसिड है, 3-ब्यूटेनोइक एसिड, इसका हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये ग्रुप ऐसे बाहर निकल जाता है तो ये प्लस में आ जाता है, ठीक। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक। और ये हम लोग का टूटता है माइनस में और ये टूटता है प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस वाला अटैक करता है इसके साथ, ठीक, और ये माइनस अटैक करता है इसके साथ, फिर हम लोग का ये मिल जाता है। फिर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं ट्राई एथिलीन एमीन के साथ, इसको बोलते हैं ट्राई एथिलीन, एथिलीन एमीन, ट्राई एथिलीन एमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग का अल्फा पायरॉन बन जाता है। रिएक्शन मेथड देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 3rd और 5th पोजीशन पे होता है, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक है, रिंग में, मतलब अल्फा पायरॉन में अगर हम लोग के रिंग में कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करता है, ESR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बढ़ा देता है उसको। सबसे पहले देखते हैं हैलोजिनेशन। तो जब हम लोग ब्रोमीन के साथ कराते हैं रिएक्शन तो 3,4 डाइब्रोमो कंपाउंड मिलता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी भंग हो जाती है, एरोमेटिसिटी यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉस हो जा रहा है,
तो यह क्या करता है, एच बी आर लूज करता है और फिर से हम लोग का क्या बनाता है, 3 ब्रोमो का अल्फा पायरोन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर देखते हैं नाइट्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोनियम टेट्रा फ्लोरो ब्रोमेट लेते हैं, सॉरी बोरेट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले ऑर्थो नाइट्रो पायरिलियम सॉल्ट मिलता है विच स्लोली कन्वर्टेड टू, जो कि हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा 5 नाइट्रो 2 पायरोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं हम लोग का नाइट्रो टेट्रा फ्लोरो ब्रोमेट है ये, या बोरेट से, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है हम लोग का, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रो, तो ओ नाइट्रो और हम लोग का पायरिलियम सॉल्ट होता है। फिर ये धीरे से कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का, कुछ समय के बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोग का हो जाएगा 1 2 3, मतलब यहाँ पे हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का नाइट्रो 5 नाइट्रो 5 नाइट्रो पायरोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में हम लोग लेते हैं यहाँ पे आयोडोमेथेन लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये टूटता है प्लस में, ये टूटता है माइनस में, और ये जाके अटैक कर देता है हम लोग का थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हम लोग को 3-methyl-2-pyrone मिल जाता है। फिर देखते हैं रिएक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, H2 का रिएक्शन कराते हैं अल्फा पायरोन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है, तो ये इसका जो डबल बॉन्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हम लोग को सैचुरेटेड लैक्टोन्स मिल जाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लैक्टोन्स। फिर देखते हैं हम लोग विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो जब हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो ये रिंग ओपन रिएक्शन देता है और हम लोग को अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये ऐसे शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आके अटैच होगा जो ये दिख रहा है हम लोग को। फिर क्या होता है, ये ऐसे बॉन्ड टूटता है, ठीक, ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H प्लस मिलेगा, तो हम लोग को फिर से यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, तो हम लोग का अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाता है। फिर देख रहे हैं रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 pyrones आर इजीली अटैक्ड बाई न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो 2 pyrones या फिर हम लोग बोल सकते हैं अल्फा पायरोन जो होता है वो इजीली अटैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोफाइल से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 6th पोजीशन पर जुड़ते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल 2nd पोजीशन पर जुड़ते हैं। देखते हैं फिफ्थ, देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टू pyrones आर इजीली हाइड्रोलाइज बाई एक्वस एल्कली, एक्वस एल्कली के साथ हम लोग जब रिएक्शन करते हैं अल्फा पायरोन्स का या फिर 2 pyrones का, तो हम लोग का रिंग ओपन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हम लोग का सोडियम सॉल्ट मिल जाता है, सोडियम सॉल्ट यहाँ पे मिल जाता है। फिर रिएक्शन विथ अमोनिया, 2 pyrones give 2 pyridone, जब हम लोग 2 pyrone का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो हम लोग को 2 pyridone मिल जाता है, 2 pyridone। फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं अल्फा पायरोन्स का, तो पहले बाईसाइक्लिक बीटा लैक्टोज देता है, लैक्टोन देता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोब्यूटाडाइन में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये बाईसाइक्लिक बीटा इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ से CO2 को रिलीज करने के बाद ये ऐसे बाहर निकल जाएगा और फिर हम लोग का ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन मिल जाएगा। फिर डील्स एल्डर रिएक्शन को हम लोग साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं 4 pi और एक ये पाई, तो 4+2 साइक्लोएडिशन देखेंगे हम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसिटिलीन डेरिवेटिव्स लेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग अल्फा पायरोन्स के साथ, तो हम लोग को बेंजीन डेरिवेटिव मिल जाएगा।
फिर देखते हैं हम लोग फोर पायरोन्स और अल्फा सॉरी गामा पायरोन्स का। गामा पायरोन्स को हम लोग तो इसका जो नेचुरल जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग माल्टोल जो होता है और होता है कोजिक एसिड। माल्टोल में हम लोग देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसके टू थर्ड और फोर्थ मतलब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, और यहाँ पे 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन सॉरी 1 2 3 4 5 4 5 ठीक है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हम लोग का CH2OH ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है मतलब मेथेनॉल ग्रुप जुड़ा होता है, और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं फ्रॉम चेलिडोनिक एसिड, यहाँ पे चेलिडोनिक एसिड से फॉर्मेशन करेंगे हम लोग गामा पायरोन्स का। तो इसमें क्या होता है हम लोग लेते हैं एसीटोन को, एसीटोन को रिएक्ट कराते हैं हम लोग एथाइल ऑक्सीलेट से। एथाइल ऑक्सीलेट का दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे, इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड। तो हम लोग का यहाँ पे सॉरी एथेनॉल, ये है एथेनॉल, एथेनॉल के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को एथाइल एसीटोन डाइऑक्सीलेट का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या कहते हैं ये कीटो फॉर्म है तो कीटो से एनॉल फॉर्म में आ जाता है, और एनॉल फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करके हम लोग का चेलिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो चेलिडोनिक एसिड होता है उसको जब हम लोग हीट देते हैं ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ CO तो ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप सॉरी एसिड ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम लोग का गामा पायरोन्स मिल जाता है। फिर आता है डाई एसिटल से, तो हम लोग डायरेक्ट डाई एसिटल का एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का गामा पायरोन्स मिल जाता है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे होता है, वहाँ पे सिक्स्थ और सेकंड पोजीशन पे हो रहा था ठीक है। तो ESR इंक्रीजेस, अगर एल्काइल ग्रुप रहेगा तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा इसका रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन देखते हैं, पहला हैलोजिनेशन में यहाँ पे सबसे पहले ये Br2 के साथ रिएक्ट करके FeCl3 और H2O के प्रेजेंस में हम लोग का यहाँ पे 3 और फिर 3 5 दोनों का मिक्स्ड रेशियो में हम लोग का बेंजो डेरिवेटिव सॉरी बोरोन डेरिवेटिव मिलता है, मतलब 3 ब्रोमो पायरोन्स मिलता है और 3 5 डाई ब्रोमो पायरोन्स मिलता है। फिर देखते हैं एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन यहाँ पे देखते हैं ठीक विथ एसिटाइल क्लोराइड, जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो यहाँ पे हम लोग का एसिड है ठीक है, इसके प्रेजेंस में जब ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है, ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के जब प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो 3 और 3 5 डाई एसिटाइल 2 6 डाई मेथाइल गामा पायरोन्स का मिक्सचर मिलता है ठीक है। ये हम लोग का 3 एसिटाइल हो गया और ये 3 5 डाई एसिटाइल हो गया। फिर रिएक्शन विद एल्डिहाइड, जब हम लोग एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को स्टाइरीन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है, स्टाइरीन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। और फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर अ एडक्ट इज फॉर्म्ड विच हाइड्रोलाइज ठीक है, हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स सब्सटीट्यूटेड पायरिलियम सॉल्ट। तो यहाँ पे पायरिलियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ले लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये आके जुड़ता है हम लोग को पता है ये माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है, और ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा, तो प्लस वाले के साथ माइनस वाला और माइनस वाले के साथ प्लस वाला जुड़ जाएगा तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है और यहाँ पे मिथाइल हम लोग को पायरिलियम सॉल्ट मिल जाता है। फिर रिएक्शन विथ अमोनिया, जब हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को मिलता है पायरिडोन मिलता है ठीक है, और जब हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ भी कराते हैं तो हम लोग को पायरिडोन ही मिलता है। फिर रिएक्शन विथ BaOH2, जब हम लोग BaOH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है और हम लोग का ये प्रोडक्ट मिलता है।
दैट्स ऑल फॉर पायरोन्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।